हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल मितवा में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल मितवा। टिकटॉक पे आए दिन कोई ना कोई वीडियो ट्रेंड में चलता ही रहता है। कोई ट्यूटोरियल VFX वाली वीडियो हो, कोई ट्रांजेक्शन वीडियो हो, कोई एनिमेशन वाली वीडियो हो, तो आज की इस वीडियो में कुछ इस तरीके की मैं वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम ये लेकिन तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक काइनमास्टर एप्लीकेशन की और एक ऐसे वीडियो क्लिप की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए मैं मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि ऐसी वीडियो मात्र एक से दो मिनट में आप कैसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए काइनमास्टर एप्लीकेशन को मैं ओपन किया हूँ। प्लस के आइकन पर हमें चलना होगा। उसके बाद यहाँ से 16:9 एस्पेक्ट रेशियो ले लेना होगा। उसके बाद हमें चलना होगा मीडिया में, और मीडिया में जाने के बाद जो डिस्क्रिप्शन से जिस वीडियो को आपने डाउनलोड किया है उस वीडियो को हमें ले लेना है। ठीक है, ये रही वो वीडियो जिसको हमने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया है। तो इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा सा आप कट करना चाहते होंगे तो आपको थोड़ा सा आगे खसका करके, ठीक है, और वीडियो पे अगेन टैप करके ये कैंची का आइकन आप देख सकते हैं, इस सीजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्टॉप प्ले हेड करके काट देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट इसमें से कट जाएगा। ठीक, उसके बाद अगेन हमें चलना होगा लेयर में, और लेयर में जाने के बाद ये टेक्स्ट देख रहे हैं टी लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट पे टी यानी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक, और यहाँ से कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में आप अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे चलिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मतलब मैं अपना नाम विजय लिख लेता हूँ। ठीक, कैपिटल हो या स्मॉल कोई भी हो, तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद ये एरो के निशान पे क्लिक करके और खींच करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक, और डबल ए आप देख सकते हैं, इस पर हमें क्लिक करके और यहाँ डब्बे जैसा आइकन है, यहाँ आप फंट अलग अलग तरीके के डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले से डाउनलोड किया हूँ। देखिए डिस्प्ले वाले ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ से देखिए चार फंट स्टाइल है जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। ठीक, तो आपको ये करना हो या ये करना हो, जो भी मतलब स्टाइल आपको फंट अच्छा लगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे चलिए मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ठीक, ये देखिए हमारा नाम लिख करके यहाँ पे आ गया विजय। अगेन अभी हमें क्या करना होगा कि इसका लेंथ भी हमें थोड़ा खींच के बड़ा कर देना होगा, ताकि जितनी लंबी हमारी वीडियो रहे उतना दूर तक हमारा ये नेम दिखे। ठीक, अगर ये नेम में या नाम में अगर कलर चाहते हैं लगाना, तो देखिए फंट का स्टाइल पहले आप फंट की लंबाई आप देख सकते हैं कितना रखना चाहते हैं कितना नहीं, उतना आप रख लीजिएगा। अगेन आपको क्या करना होगा, चलिए ओके कर देते हैं। अगेन आपको लेयर में जाना होगा। लेयर में जाने के बाद फिर से मीडिया में, और डिस्क्रिप्शन से एक और फ़ोटो को मैंने इसका लिंक दे दिया है। इस वाले फ़ोटो को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको हमें यहाँ पे खींच करके थोड़ा सा बड़ा कर देना होगा। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, यहीं भूल जाएंगे आप। इस कलर वाले फ़ोटो को हमें बिल्कुल जूम करके और इस कोने पे फिट कर देंगे जहाँ हमारा नाम लिखा हुआ है। ठीक, चाबी के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं ये चाबी का आइकन यहाँ गोल सा बन गया। अब यहाँ एकदम लास्ट में लेके आते हैं इसको, तो थोड़ा खसका देते हैं, एकदम लास्ट में लेके आते हैं। अभी अगेन क्या करना होगा कि अपने इस कलर वाले फ़ोटो को खसका के अब हम इस कोने का लेके आएंगे अपने नाम के पास। जैसे कि चलिए इसको हम खसका के अपने ऊपर हिस्से, मतलब नाम के ऊपर हिस्से तक कर देता हूँ। अगेन ओके कर देना होगा। अभी देखिए अगेन इसी कलर वाले फ़ोटो पे क्लिक करके इसका भी लेंथ हमें खींच के थोड़ा बड़ा कर देना होगा। ठीक, अपने वीडियो इतना लंबा कर देना होगा, या जितनी लंबी वीडियो आप चाहते हैं उतना लंबा आपको कर देना होगा। अगेन उस पर क्या करना होगा कि ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाना होगा। ये देखिए कलर वाले फ़ोटो पे ही क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्ली पे क्लिक कर देंगे। देखिए मल्टीप्ली पे हमने क्लिक किया तो ये हमारा कलरफुल जो फ़ोटो था ये पीछे चला गया। अभी देखिए कुछ इस तरीके की हमारी वीडियो बनके तैयार हो गई है। जैसे कि मैं प्ले करता हूँ तो देखिए हमारा नाम भी अगर आ रहा है तो वो कलरफुल वो जा रहा है। ठीक, अगर हमारा नाम झटके से गिरे, एनिमेशन लगाना चाहते हैं अगर इसमें, तो अपने नाम वाले फंट पे क्लिक करके और यहाँ से इन एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ से कोई सा भी आप अपना एनिमेशन मतलब स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे कुछ ये अच्छा लगता है ड्रॉप वाला, जैसे कि ये
या फिर लेटर बाय लेटर भी आप कर सकते हैं। जैसे ये लेटर बाय लेटर, ये देखिए इसका स्पीड भी कम कर सकते हैं, वी आई जे ए वाई इसी स्टाइल में ऐसे करके। तो चलिए ओके कर देते हैं, ठीक। इसके बाद वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए वी आई जे ए वाई स्टाइल में निकल रहा है लेटर बाई लेटर। अभी क्या है कि यहाँ पे आप अपना कोने में फ़ोटो भी लगाना चाहते हैं तो अगेन आपको क्या करना होगा, जहाँ से भी लगाना चाहते हैं उस वीडियो को उस पोजीशन पर लेके जाएंगे और यहाँ लेयर के ऑप्शन में जाएंगे, फिर मीडियम जाएंगे और यहाँ से जो भी आप अपना PNG फ़ोटो रखे होंगे बैकग्राउंड इरेज वाला, तो उसको लगा सकते हैं। जैसे चलिए मैंने एक ये मैं अपना फ़ोटो ले लेता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके और मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से इस कोने पे लगा देता हूँ, ठीक। अब इसमें भी इन एनिमेशन पे हमें क्लिक करके और इसमें भी मैं चलिए ड्रॉप मैं कर देता हूँ ये, इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अगेन फ़ोटो पर ही क्लिक करके इसका भी लेंथ दूर तक हम बड़ा कर देंगे जितना हम बड़ा वीडियो चाहते हैं। बस अगेन हमारी वीडियो बनके तैयार हो गई है बिल्कुल। और भी इसमें एनिमेशन लगाना चाहते हैं, सॉरी एनिमेशन नहीं, कुछ और भी फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो आप यहाँ पे या कहीं पे भी आप लेयर वाले ऑप्शन में जाके ऐड कर सकते हैं। अब हमारी वीडियो बनके तैयार हो गई है। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए यहाँ शेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 720p और 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। चलिए वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। सिर्फ उस पे कदम कदम पे दिल का झोलना।